दोनों बेटों की शादी एक ही दिन हुई। जहाँ उसकी बड़ी बहू अर्चना सरल स्वभाव की थी, तो वहीं छोटी बहू अंकिता काफी चंट और चालाक थी। ऐसे ही समय बीता और दोनों बहुओं को इस घर में आए हुए 6 महीने बीत गए। अंकिता का पति जहाँ ठीक ठाक कमाता था, तो वहीं अर्चना के पति की कमाई कुछ ज्यादा नहीं थी, इसलिए घर खर्च चलाने में अर्चना भी नौकरी करने लगी। अर्चना नौकरी करती थी और शाम को घर लौटती थी, इसलिए रात की रसोई का काम उसके हिस्से आया, जबकि दिन की रसोई अंकिता ने संभाली। एक रोज अर्चना सीधी ऑफिस से आई और रसोई में घुस गई। भाभी आप आ रही हैं? आप जानती हैं ना सबको डिनर समय पर चाहिए होता है, लेकिन फिर भी आपने आने में देर कर दी। वो अंकिता आज ऑफिस में काम ज्यादा था, इसलिए आने में देर हो गई। अंकिता बहू, बड़ी बहू अभी आई है, उसे 2 मिनट सांस तो लेने दे, पानी तो पीने दे। माँ जी आप तो ऐसे कह रही है जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ और सारे काम मैं ही करूँगी। ये भी तो इस घर की बहू है, तो इनका भी तो फर्ज बनता है ना घर के काम करने का। अच्छा भाभी अब आप पहले बर्तन धो लीजिए, फिर रात का खाना बना लीजिए। वो क्या है ना घर में कई सारे काम होते हैं, इसलिए मुझे बर्तन धोने का टाइम ही नहीं लगा। ठीक है मैं कर लूंगी। थकी हारी अर्चना घर के काम काज में लग जाती है। अंकिता बहुत चालाक थी, वो दिन की रसोई तो बनाती लेकिन ज्यादातर बर्तनों का ढेर अपनी जेठानी के लिए रख देती। दोनों देवरानी जेठानी में काम बटा हुआ था, अर्चना के हिस्से में रात का काम था, इसलिए वो रात को घर आकर पहले दिन के बर्तन धोती, जिसके बाद रात के लिए सबका खाना तैयार करती, फिर बर्तन धोती, तब जाकर कहीं सोने जा पाती। लेकिन इन सब कामों में उसे रात के 12 बज जाते। फिर अगली सुबह नाश्ता बनाकर ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल जाती। उसकी सास को अपनी बड़ी बहू पर तरस तो आता था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी खुद तबीयत ठीक नहीं रहती थी। लेकिन इन सब कामों में अर्चना को ऑफिस के लिए देर हो जाती थी और उसे अपने मालिक से डांट खानी पड़ जाती थी। क्या बात है अर्चना, आज तुम फिर लेट हो गई। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो अपने लिए दूसरा ऑफिस ढूंढ लो, हमें लेट लतीफ स्टाफ की जरूरत नहीं है। सॉरी सर, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। और अगर आगे से ऐसा हुआ ना तो मुझे तुम्हें निकालने में देर नहीं लगेगी। सबके सामने मैनेजर उस पर इस कदर चिल्लाया कि उसके आंसू निकल गए। फिर सारा दिन ऑफिस में काम करके घर आकर फिर रात की रसोई संभाली। अंकिता तो चालाक थी, उसने आसान सा काम पकड़ रखा था, वो दिन में दाल चावल उबाल कर फ्री हो जाती, जबकि बेचारी अर्चना को डिनर में रात को 2-2 सब्जियां बनानी पड़ती। फिर पूरे परिवार के लिए भरी गर्मियों में 1-1 घंटा खड़े रहकर ढेर सारी रोटियां बनाओ वो अलग। भाभी मेरा ना आज डिनर में कोफ्ते की सब्जी के साथ पराठा खाने का मन कर रहा है, तो आप मेरे लिए तो पराठे ही बना देना। और हाँ मेरा खाना मेरे कमरे में भिजवा देना, वो क्या है ना बहुत ज्यादा गर्मी है, तो मैं अपने रूम में एसी में बैठ कर ही खा लूंगी। ठीक है अंकिता, थोड़ा वेट करो मैं लाती हूँ। अर्चना ने गर्मा गर्म पराठे अपनी देवरानी को जाकर दिए। एक रोज उसे तेज बुखार था। बड़ी बहू तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तू ऐसा कर तू सो जा, आज की रात की रसोई मैं देख लूंगी। नहीं माँ जी आपकी तबीयत तो वैसे ही ठीक नहीं है, आप आराम करिए मैं संभाल लूंगी, और वैसे भी कल संडे है तो मेरी छुट्टी है, तो सुबह थोड़ा ज्यादा देर तक आराम कर लूंगी। ठीक है बहू जैसी तेरी मर्जी। अंकिता अच्छे से जानती थी कि अर्चना की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तब भी वो कभी उसकी मदद करने आगे नहीं आती। जहाँ अर्चना छुट्टी वाले दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, तो वहीं अंकिता को भी पूरे हफ्ते भर इसी दिन का इंतजार रहता। अगली सुबह भाभी भाभी उठिए, आज आपकी छुट्टी है ना, तो सारा किचन साफ कर दीजिए, रसोई की अलमारियों और डब्बे बहुत गंदे हो रहे हैं। बहू ये काम तो किसी और दिन भी तो कर सकती है, बड़ी बहू को एक दिन की तो छुट्टी मिलती है, अब उसे आराम भी करने दे। हाँ मुझे भी तो आज का ही दिन मिलता है, और भाभी मुझे आज पार्लर भी जाना है, इसलिए साफ सफाई के बाद सुबह का नाश्ता फिर दिन का खाना आप ही देख लेना, और रात की रसोई तो आपको संभालनी है। कुछ देर बाद अंकिता ब्यूटी पार्लर के लिए निकल जाती है और अर्चना घर के काम काज में लग जाती है। फिर दिन की रसोई बनाकर भी वो तैयार कर लेती है, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने पर भी वो नहीं आती। फिर अर्चना ही उसके फोन पर फोन करती है, तो फोन एक आदमी उठाता है। देखिए इनके एक्सीडेंट हो गए और सड़क पर खून से लथपथ पड़ी है। क्या हे भगवान, आप मुझे बताइए मैं अभी पहुंचती हूँ। अर्चना अपने जेठ और देवर के साथ उस जगह पहुंचती है, फिर सब मिलकर उसे अस्पताल ले जाते हैं। अंकिता के सर पर काफी चोटें आई थी, उन सब ने उसे अस्पताल पहुंचाया। देखिए इनका काफी ज्यादा खून बह चुका है, हमें खून चढ़ाना होगा।
हमें खून की जरूरत है। हाँ तो मैं तैयार हूँ अपनी पत्नी को खून देने के लिए। हाँ और जरूरत पड़ी तो मैं भी। देखिए हमें सिर्फ ओ पॉजिटिव की ही जरूरत है। हाँ तो मेरा है ना ओ पॉजिटिव, आप मेरे शरीर से खून की एक एक बूंद ले लीजिए डॉक्टर साहब, लेकिन मेरी देवरानी को कुछ नहीं होना चाहिए, उन्हें ठीक कर दीजिए। फिर अर्चना अपना खून देती है, डॉक्टर अंकिता का इलाज शुरू करते हैं। लगभग 6 घंटे तक उसका ऑपरेशन चलता है, फिर अगले दिन जाकर उसको होश आता है। जब उसकी आँख खुलती है तो अर्चना उसके पास ही बैठी थी, तभी उसके मोबाइल पर उसकी कंपनी के मैनेजर का फोन आ जाता है जो अर्चना पर खूब गुस्सा करता है। अर्चना ये क्या है, तुम आज भी ऑफिस नहीं आई? मेरी देवरानी की तबीयत खराब है सर, और जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती मैं ऑफिस नहीं आऊंगी। आप चाहें तो मेरी जगह किसी और को काम पर रख सकते हैं, मैं कहीं और नौकरी ढूंढ लूंगी। अंकिता सब कुछ सुन रही थी। जिस जेठानी पर उसने इतने अत्याचार किए, आज वही जेठानी उसके लिए अपनी जरूरत की नौकरी तक छोड़ रही थी। अंकिता को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो अर्चना से माफी मांगती है, अर्चना भी उसे माफ कर देती है। कुछ ही दिनों बाद अंकिता घर लौट आती है, जहां अर्चना उसकी खूब देखभाल करती है और उसका ख्याल रखती है। एक महीने में वो पूरी तरह ठीक हो गई। फिर अंकिता ने अपने एक पहचान वाले से कहकर अर्चना की अच्छी कंपनी में नौकरी लगवा दी, जहां उसे हफ्ते में 2 दिन छुट्टी भी मिलती, साथ ही पैसे भी अच्छे मिलते। अब अंकिता अर्चना की पूरी तरह मदद करती और दिन के बर्तन भी खुद ही धोती, साथ ही रात की रसोई में भी जेठानी का पूरा हाथ बटाती। अब दोनों देवरानी जेठानी एक साथ खुशी खुशी रहती।